हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ और वो है चटनी। बहुत सारी चटनी खाई होगी आपने, पर ये चटनी बहुत ही रेयर में खाई होगी। तो ये है कड़ी पत्ता की चटनी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। कड़ी पत्ता सभी लोग जानते हैं, बहुत हेल्थ बेनिफिशियल होता है ये। तो ये मैं कड़ी पत्ता को ढेर सारा धो ली हूँ और इसको तोड़कर सुखा ली हूँ थोड़ा सा, मतलब पानी को सुखाया है बस, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैं धो करके अच्छे से साफ़ करके सुखा ली हूँ, इसका पानी ख़त्म हो गया है। तो मैं 2 कप भर भर के इसमें दबा दबा करके इसी कप से 2 कप इसको लूँगी पत्ते को। और ये 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर है इसको चटपटा बनाने के लिए, 1/4 टीस्पून हींग है, 2 छोटे चम्मच जीरा है, ये कच्चा जीरा है, और ये 1/2 कप मूंगफली है, ये अभी रोस्ट नहीं किया है, रोस्ट करूँगी, 1/4 कप ये है तिल, वाइट वाली तिल होती है, और ये मतलब ग्रेटेड कोकोनट है, खोपड़ा वाला है, आप चाहें तो डेसिकेटेड ले सकते हैं, 1 गांठ लहसुन लिया है, ये जो नारियल है ये भी 1/4 कप है, ये 4-5 सूखी मिर्ची है तीखी वाली, क्योंकि चटनी को चटपटा बनाना है पर इसलिए मैं ये मिर्ची डाल रही हूँ, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें 1 चम्मच लगेंगे नमक। और ये चटनी बहुत दिनों तक आप रख कर इसको 6 महीने भी अगर फ्रिज में रखते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये 2 छोटे चम्मच मैं तेल डाली हूँ, रिफाइंड ऑयल या सरसों तेल कोई भी डाल सकते हैं जो भी है। तो तेल हमारा गर्म हो गया, तो इसको एकदम लो फ्लेम पर इसको कंटिन्यू चलाते हुए, जो एकदम क्रिस्पी होती है ना, जैसे आप तड़का लगाते हैं तो वो पककर हो जाती है कड़ी की पत्ती जो एकदम कुरकुरी हो जाती है, वैसा ही करना है, लेकिन एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं चटनी को। ये चटनी आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, साउथ इंडियन डिश इडली डोसा वड़ा किसी के साथ भी खा सकते हैं, और तो और जो आप स्टफ्ड पराठा बनाते हैं, आलू के पराठे, लच्छा पराठा, दाल पराठा, कोई भी, इसमें ये चटनी आप जैसे कोई भी स्टफिंग डालते हैं उसके पहले इसको स्प्रे कर दीजिए, स्प्रेड करके इसके ऊपर आप भरवा जो भी भर रहे हैं उसको रख के उसके बाद इसको बेलकर बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको चावल के साथ मिलाकर भी खाएंगे ना, इतनी टेस्टी लगती है, बहुत चटपटी, सही में ये बहुत ही माउथ वाटरिंग है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो देखिए वो भून गया, उसको उतारें, ठंडा होने के लिए रख दी हूँ, तब तक बाकी की चीज़ें फ्राई कर लेते हैं, मतलब सेलो फ्राई करना है। तो इसमें मैं 3 से 4 चम्मच तेल डाल दी हूँ, ये सरसों का तेल है। तो ये मूँगफली जो है 1/2 कप इसको मैं डाल कर एक देख लेती हूँ कि ये अपने इससे बुलबुले आ रहे हैं कि नहीं, तेल पकना चाहिए पहले, कच्चे तेल में ना डालें, इसको भी मीडियम फ्लेम पर मतलब थोड़ा सा भून लेंगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क कर देना, ऐसा नहीं है, बस हाँ ये भून जाना चाहिए, इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर बाकी के भी जो चीज़ें हैं वो डालूँगी। तो मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि ये जल्दी मैं बना रही हूँ, आप इसको अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही भून रही हूँ क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी। तो जिसमें जितना टाइम लगता है कम, जिसका सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा उसको लास्ट में डालेंगे, ऐसे ही करके मैं भून रही हूँ। तो मूँगफली में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो मूँगफली अभी और भुनेगी, तो उसके पहले मैं लहसुन डाल दी हूँ, लहसुन में जैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो भी भूनते रहेगा साथ साथ, मूँगफली भी लहसुन भी। इसके बाद जो इसमें ये एक कलर सा आ जाएगा लहसुन में, इसके बाद कलर आने लगेगा, उसके बाद जो चीज़ें डाल रही हूँ वो दिखाती हूँ, जिसमें जैसे जैसे कम समय लगेगा। अब ये डाल दी हूँ सूखी मिर्ची, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाली हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी और ये जल्दी मतलब एक साथ हो जाएंगे सारे। और ये डाल दिए 2 चम्मच जीरा भर के, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जीरा से, और ये पचने में भी फ़ायदा करता है कोई भी चीज़।
और टेस्ट भी बड़ा आता है। उसके बाद ये सबसे लास्ट में तिल डाल दी हूँ। फ्लेम हमारा एकदम लो है अभी, क्योंकि तिल को ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे ना तो वो जल जाएगा, तो कड़वापन आ जाएगा। तो देखा मैंने कैसे डाल दिया, जैसे जैसे कम समय जिसमें लगता है उसको लास्ट में डाली हूँ, तो इसलिए हमारा बहुत सारा समय बच गया और एक साथ सारे मसाले भून गए। तो बस सभी को रोस्ट कर लेते हैं। जैसे ही तिल चटकने लगेगा बस इसको उतार लेंगे। गैस को अभी बंद कर दिया, ये हमारा सारा भून गया है। तो अब मैं इसी में ये जो डेसिकेटेड नहीं है, ये खोपड़े से मैं इसको ग्रेट करके ली हूँ। तो ये 1/4 कप है, इसको डाल दी हूँ। तो ये गरम से ही ना, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारा बहुत गरम है, तो ये गरम कढ़ाई में ही अपने भून जाएगा ये। और इसी टाइम पे हींग डाल देते हैं, हींग भी भून जाएगा क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है, तो बस इसी में भून जाएगी दोनों चीज़ें। बाकी चीज़ें हमारे रोस्ट हो गई हैं, अब इसको उतार देते हैं गैस पर से और ठंडा होने देते हैं। तो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी भुनिएगा, वरना ये जो है ना, जो तिल में भी तेल होता है, मूंगफली में भी तेल होता है, तो वो तेल छोड़ देगा। तो इसलिए उसको अच्छे से ठंडा होना है और इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है मुझे। और देखिए कितना खनखनाहट की आवाज़ आ रही है, जैसे खड़खड़ाहट होती है ना इसको जब भून जाता है, तो वैसा अपने आप टूट जाता हाथ से दबाने से। तो सभी मसालों को, मतलब जो मूंगफली है और तिल, ये कड़ी पत्ता, सबको डालकर दरदरा पीसना है। इसको बारीक नहीं पीसना है, बस पल्स मोड में पीसना है इसको। जैसे एक बार चलाए फिर रुके, चलाए रुके, ऐसे करके 2-3 बार में ये पिस जाएगा। तो यहाँ पे ना हमको आमचूर थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं और 1 चम्मच बढ़ा दी हूँ और ये नमक डाल दी हूँ। अब इसको पीस लेते हैं। देखिए इसको मैं पल्स मोड पे पीस ली हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या पोजीशन है। ये देखिए कितना अच्छा भून गया है, ये 2-3 बार में, सॉरी पीस गया है, 2-3 बार में ही दरदरा सा पीस गया। बस ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो फिर से तेल निकल आएगा। अब इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर निकाल कर इसको आप फ्रीज में रख कर, बाहर भी रखेंगे ना तो 1 सप्ताह तक ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पानी का एक बूंद भी नहीं है इसमें। और फ्रीज में रख कर तो आप इसको 6 महीने भी खाएंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही चटपटी चटनी लगती है, आप इसको बना कर देखिएगा। कोई भी दाल चावल रखिए और साथ में ये चटनी रखिए 1 चम्मच। और आप, तो मैं बोलती हूँ ना, इसको हर खाने में आप 1 चम्मच रखिए साइड में, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मुंह का जायका ही बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।